के जो सामने जो है हिमालयन रेंज है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो पर्वत श्रृंखला, हिंदी में बोला भी नहीं जा रहा, हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालयन भाई 10 बार बोलूंगा तब भी समझ में नहीं आएगा जो भी बोल रहा भाई कहाँ से चलाते हुए आ रहे हो आप? रानी रहते हो आप? दिल्ली? दिल्ली से आए हो? तो सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर दूर कौसानी। हल्का फुल्का खा रहा है और अब दो पराठा और ऑर्डर अपने कर रहे हैं। तो बोल गए हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। तो बेसिकली अब हम कैंची धाम से निकल चुके हैं और कैंची धाम से निकल के अब हम जा रहे हैं कौसानी, जो कि हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन था जब हमने दिल्ली से अपना जो ट्रैवल है वो स्टार्ट किया था। हम दिल्ली से डायरेक्ट कौसानी जाने वाले थे, पर बीच में इतने अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन मिल गए जैसे ऑर्गेनिक होम स्टे और कैंची धाम। और ऑर्गेनिक होम स्टे की बात ही क्या कहूँ कि सब चीज़ें ऑर्गेनिक, बजटेड आपका रेट के अंदर। तो और कैंची धाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो वीडियो के जो लिंक है दोनों वीडियो के, ऑर्गेनिक होम स्टे और कैंची धाम के, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ में लगभग अभी जो सफ़र है वो 100 किलोमीटर का है कैंची धाम से कौसानी तक का। और कौसानी को अगर मैं कहूँ तो जन्नत कहा जाता है, जन्नत, भारत का जन्नत पर्यटक स्थल जी हाँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है हिमालयन रेंज, पर्वत श्रृंखला, हिमालयन पर्वत श्रृंखला, हिंदी में बोला भी नहीं जा रहा, हिमालय पर्वत श्रृंखला आई थिंक, ठीक है, हिमालयन भाई 10 बार बोलूँगा तब भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और इसके साथ साथ में जो है हिमालयन रेंज के अंदर ही है त्रिशूल माउंटेन, त्रिशूल पर्वत श्रृंखला, तो ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ में चाय के बागान हैं, शॉल की फैक्ट्री है, और सुनने में आया है सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे भी हम जाते हैं महादेव के दर्शन जरूर करते हैं, तो रुद्रधारी महादेव शिव मंदिर है, वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। और ये जो अनुभव है इतना अच्छा होने वाला है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है कसम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, एक एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और उसके साथ में जो है आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक आपने सभी ने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और अब थोड़ा सा सपोर्ट और करना ताकि मैं और ऊपर बढ़ सकूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूँ और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ। तो मेरे साथ में आप बने रहिएगा, अब हम आपको मिलेंगे सीधा सफ़र पे, अच्छी अच्छी वादियाँ आपको दिखेंगी और साथ ही साथ में कौसानी मतलब जन्नत हम आपको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं। क्या व्यू आ रहा है यार, ओहो एक नंबर, ये व्यू देखो, बस अपना इधर घर होना चाहिए था, कह रहा अपना इधर घर होना चाहिए था। यहाँ पर जगह जगह में लिखा हुआ है कि पत्थर गिर सकते हैं इसके, आराम से चलिए, तो अपन आराम से चल रहे हैं, मतलब जब खाली मिल जाती है तो दौड़ा देता हूँ क्योंकि हमें जल्दी भी पहुँचना है। सही बात है तो यार हम रुक गए थे क्योंकि धुआं बहुत जोर के आ रहा था भाई, देखो इसके अंदर हम वो डाल रहे हैं तो इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, पानी जैसे डाल रहे हैं, तो अभी हमें रुकना पड़ गया क्योंकि यहाँ पर आ रहा है धुआं, हमको डालना पड़ गया थोड़ा सा पानी, इतना गर्म हो रहा है, अभी भी गर्म है भाई, इतना गर्म हो गया, अभी भी गर्म है, देखा ना, बस 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 गर्म हो गया है, जो भी हो रहा भाई देख, तो साइकिलिंग
करने वाले बहुत है पहाड़ के ऊपर भाई, जो देखो खींची नहीं जा रही। भाई कहाँ से चलाते हुए आ रहे हो आप? रानीखेत से। तो साइकिल ट्रैक पे निकले या ऐसे ही आप लोग? अपनी है। अपनी? वेरी नाइस भाई, यहीं रहते हो आप? दिल्ली? दिल्ली से आए हो? क्या बात है दिल्ली से साइकिल पे? अपनी साइकिल लेके भाई। रानीखेत से भाई साइकिल ले। क्या बात। रास्ता देखो यार क्या बढ़िया है। दिल्ली में नहीं मिलता रास्ता, और ऐसी पहाड़ों में रास्ते मिलता भाई साहब। पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं ना एकदम जबरदस्त। हाँ भले यहाँ पे कहीं पे भी रोक के भाई साहब ऊपर सो जाओ। बंदे तो सो रहे थे भाई। एक घुमावदार पहाड़। हर रोड पे मोड़, हर जगह पे मोड़ भाई साहब। क्या दिख रहा है प्यारा यार, ऐसी ही जगह बहुत प्यारी लगती है भाई। व्यू देखो सामने का, देखो भाई कैसे पेड़ लगे हुए हैं, कितने लंबे लंबे। भाई ने रोक ही दी, बोल रहे देख लेते हैं, बोल रहे वीडियो बनाने के लिए। देखो क्या बात है, ये देखो भाई ने रोक दिए भाई व्यू देखने के लिए। व्यू देखो यार, ये व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर दूर कौसानी, और फिर हम पहुंचेंगे जन्नत, नैनीताल की जन्नत कौसानी। तो मेरे साथ में अब हम निकल चुके हैं, बने रही है क्योंकि पीछे जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। व्यू देखो यार, व्यू देखो। मिल भी जाएगी तो फिर वो। सो फाइनली काफी देर के बाद में अब जाके जो है हमें रेस्टोरेंट मिला है खाने के लिए। तो अब दोपहर का लंच होगा, और लगभग 20 किलोमीटर का 30 किलोमीटर के आसपास कौसानी रह रहा है। तो खाना खाते हैं और उसके बाद में हम निकलते हैं। तो भाई अपना जो है दोपहर के टाइम पे हम थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खा रहे हैं मैगी। ये दो भाई तो लग गए हैं भाई, हल्का फुल्का खा रहे हैं, और अब दो पराठा और ऑर्डर अपने कर रहे हैं। कब हो गया दो पराठा? तो यार थोड़ा सा यार पेट भर गया इस वजह से। और ऑर्डर किसने किया है ये तो बता दो। तुम्हारे लिए मुझे पता है डायरेक्ट तुम्हारी, ठीक है। तो भाई पेट पूजा हो गई यार, ये बाहर निकलने के लिए अब रेडी। चलो भाई हम निकल रहे भाई, अब सीधा रुकेंगे कौसानी। और कौसानी के अंदर भाई बोला जा रहा है कि लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर है, और 25 किलोमीटर पहुँचने के बाद 15 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा लगता है। सो हम फाइनली पहुँच गए हैं कौसानी, और अब जो हमने रिसोर्ट किया हुआ है वो हम गूगल मैप पे सर्च किया तो 6 मिनट का रास्ता है। तो अब सीधा हम रिसोर्ट पे पहुँच के आपसे बातें करेंगे। यू अभी भी कितना अच्छा लग रहा है यार। कैंपिंग नहीं, उधर होटल है, कैंपिंग में ये है। चलो ठीक, हम देख क्या रहे हैं, पूरी नहीं हम देख क्या रहे हैं, बोल दिया ना एक बार देख के आ जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं ना, मुझे बेहतरीन सबसे हाइट पे अपने होटल सबसे हाइट पर। टॉप पे जो होटल है, तो भाई अब इस बाइक के पीछे पीछे ही जा रहे हैं, क्योंकि अब भाई हमें ये जो है रिसोर्ट्स दिखाएगा। तो देखते कौन सा रिसोर्ट पसंद आता है, और उस हिसाब से हम अपने रिसोर्ट को करेंगे। ये होटल है और ये रेंज है हिमालयन रेंज भाई। ये होटल सो अभी क्या है, अभी हम होटल देख रहे हैं, पसंद आ गया तो तुरंत ले लेंगे।
ना भाई रूम है। और सनराइज सनसेट आपको प्रॉपर रूम है नहीं, बिना बल ओपन ये बना सकते सर। बाकी ऊपर टेरेस से भी व्यू मिल सकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगला वाला टेरेस अपना है, ये वाला टेरेस अपना है। चलो एक बार हम वो भी देख लें जो हमने बुक किया है हिमवादी। जी जी वो भी देख लें। कितना टेरिफ इसका सर? इसका 1400। बढ़िया, फर्स्ट में आपको फर्स्ट रूम दिखाया बढ़िया वाला। ठीक है बढ़िया यार। सीरियसली यार मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं समझ से बाहर अपने करके कोई एक है। ये देखो यार करके बहुत क्लियर भाई, नागरकोट तो कुछ भी नहीं है। सनराइज और सनसेट का व्यू दिखता है यहाँ से भी। ये भाई एक होटल, होटल बेस्ट इन कोसानी। यही है भाई, बहुत सही व्यू है यहाँ से भी। हिमालयन रेंज यहाँ से कितनी पास दिख रही है यार। प्राइस का टैरिफ कितना हो जाएगा? प्राइस सर देखिए मैं आपको पहले 3000 बता था। नहीं वो तो शूट होता, उन्होंने हमको पहले ही वो बोल दिया था कि वो 1500 के आसपास में। नहीं सर बात करिए, फ़ोन पे लाइए, मेरे पास नंबर नहीं, आप डायरेक्ट मैं फ़ोन पे बात करूँ। ये कोई सुमन रॉयल करके जो कम से कम उन्होंने आपका रेफरेंस तो दिया, तो आपको रेट बताया तो मैं बात करूँ कि उन्होंने हमारा इतना रेट बताया। सैटेलाइट फोन इज नॉट अलाउड, कौन लेके आता भाई सैटेलाइट फोन यहां पर? सैटेलाइट सर ग्लेशियर है ना इसमें। अच्छा ओके। तो ये डीलक्स रूम है, सेम है बट सिर्फ ऊपर ये जो है ना छत है ये थोड़ी सी अलग है, बाकी यार व्यू पॉइंट के लिए बहुत सही है, व्यू बहुत सही दिख रहा है यहाँ से, थोड़ी सी रेंज ज़्यादा उसकी बट। कसौनी हम पहुँच गए और रूम की अगर मैं बात करूँ ना तो यार वन ऑफ द बेस्ट रूम है एट चीप रेट। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट सामने जो है हिमालयन रेंज है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रूम है भाई साहब, ये रूम है यार बहुत सुंदर है, बहुत सही। और ये देखो बाहर निकलते ही आपको दिख रही है हिमालयन रेंज। व्यू देखो यार, व्यू के ही नंबर से इधर यार कसम से। और ये देखो ये भाई कसम से, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे शूट कर दूँ। हाँ शूट कर सकते बहुत आराम से।